हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आज मैं बनाने वाली हूँ आंवले का मुरब्बा। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है आंवले का मुरब्बा, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, और ये एक भी नहीं टूटा है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार है। आप इसे चाहे तो 6 महीने या 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, और खाने में भी ये काफ़ी स्वादिष्ट है। जाड़े के महीने में आसानी से आंवला मिल जाता है, तो आप चाहे तो इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने आंवले का मुरब्बा बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, इसे उबाल के नहीं बनाया है। आंवला सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बालों के लिए और चेहरे के लिए तो खास तौर पे। अगर आपको आंवले का मुरब्बा बनाना है तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, और सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने इस आंवले के मुरब्बे का रेसिपी शेयर किया आप लोगों के साथ, तो इसे ज़रूर देखें। और ये बहुत ही बढ़िया मैंने बनाया है। तो चलिए फटाफट हम आंवले का मुरब्बे की रेसिपी आप सबसे शेयर करते हैं। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने ले लिया आंवला। आंवला मैंने 1.5 kg लिया है और ये पका हुआ आंवला है, थोड़ा सा बड़े साइज का आंवला है। ये दिसंबर जनवरी के महीने में आपको पका हुआ आंवला मिल जाएगा, और साइज में थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि कसैलापन इसमें कम हो और ये पका हुआ हो। और फोक से हमें इसे इसके अंदर छेद कर लेना है बराबर से। थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये उबला हुआ नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होनी है। तो कुछ इस तरह से हमें सारे आंवले को के अंदर छेद कर लेना है। तो सारे आंवले के अंदर मैंने छेद कर लिया है कुछ इस तरह से। और फिर मैंने ले लिया एक बर्तन में पानी। पानी मैंने ज़्यादा मात्रा में लिया है ताकि अंदर तक आंवला जो है अच्छे से डूब सके। और इसमें मैं डाल रही हूँ चूने का पानी, और इसे मिक्स कर लेंगे। चूना कहीं भी आसानी से मिल जाएगा पान की दुकान पर। और सारे आंवले को इसके अंदर रख देंगे। सारे आंवले को रखने के बाद इसे ढक के रात भर के लिए छोड़ देंगे। रात भर भीगने के बाद आंवले का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसके पानी का कलर। और देखिए कुछ इस तरह से आंवला दिख रहा है हमारा। तो हम इसे हाथ से मिला के अच्छे से धो लेंगे, इसे नल के नीचे रख के, और 4 से 5 बार हमें धो लेना है। इसी तरह कर करके हमें इसे धोना है, और सारे चूने का पानी जो है चूना अच्छे से साफ कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने साफ कर लिया, फिर इसमें गर्म पानी डाल के मैं साफ कर लेती हूँ। गर्म पानी से भी मैंने अच्छे से साफ करके इसका पानी निचोड़ लिया, और देखिए आंवला अच्छे से वॉश हो चुका है। फिर हमें ले लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में सारे आंवले को डाल दूंगी। सारे आंवले को डालने के बाद हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे चीनी। 1.5 kg आंवला है, और 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चीनी लिया है। और फिर इसे हम थोड़ा सा मिला के 8 से 10 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है। अच्छे से मिला के हमें 8 से 10 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देना है। चूल्हे का हीट जो है बिल्कुल लो रखना है, और इसके अंदर का जो पानी है खुद ही निकल के और ये सारा चीनी जो है मेल्ट हो जाएगा, और चाशनी बननी शुरू हो जाएगी। तो इसे हम ढक देते हैं, और 15 मिनट के बाद मैंने चेक कर लिया, हीट तो मेरा बिल्कुल लो था चूल्हे का। तो मैंने चेक किया तो देखा कि इसमें अच्छे से पानी जो है आंवले के अंदर का पानी निकल चुका है, और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और चाशनी बननी शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह से मुझे थोड़ा देर और हमें पका लेना है इसे, हीट को लो ही रखना है अभी। अब हीट को थोड़ा सा तेज कर देते हैं क्योंकि मेल्ट हो चुका है चीनी। तो हीट तेज होने के बाद अच्छे से उबाल आनी शुरू हो चुकी है, और देखिए अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है, कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। अब देखिए पक चुका है थोड़ा थोड़ा सा, 20% पका है अभी। तो इसे और उबालना है इसी तरह से 10 मिनट और। 10 मिनट के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से पक चुका है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसका कलर। इसमें थोड़ा सा जो चाशनी है गाढ़ा हो चुका है, तो हमें क्या करना है अब, फिर इसे हमें चूल्हे को ऑफ कर देना है, और रात भर के लिए हमें रख देना है इसे। तो रात भर रखने के बाद देखिए जो आंवले का है इसमें जो चाशनी गाढ़ा हो चुका है वो थोड़ा सा पतला हो चुका है, क्योंकि आंवले के अंदर का तो जो कसैलापन है वो भी निकल गया, और उसमें का अंदर का जो बचा हुआ पानी था वो भी निकल गया है। ये पतला हो चुका है तो हम इसे गाढ़ा कर लेंगे फिर से।
तो इसे गाढ़ा करना है हमें लगातार चलाते हुए, हमें 7 से 8 मिनट पकाना है क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से पक चुका है, तो हमें ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है। सात से आठ मिनट मैंने इसे पका लिया और इसका कलर चेंज हो चुका है और जो आंवले का जो चाशनी है इसका जो वो भी मुरब्बे का चाशनी बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और एक भी हमारा जो आंवले का मुरब्बा है एक भी नहीं टूटा है, तो इसे हम अब ठंडा कर लेते हैं, चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। चूल्हा ऑफ हो चुका है और ये पेठा बिल्कुल मुरब्बा हमारा ठंडा हो चुका है और इसका जो कलर है आंवले का देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और चाशनी का भी कलर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। हमारा मुरब्बा तैयार, आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अगर आपको मेरे मुरब्बे की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।